देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम इतना तो जानते हैं एसिड क्या होता है जो एच प्लस दे, और बेस क्या होता है जो ओ एच माइनस दे। और एसिड बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने एसिड लिया, बेस नहीं लिया, हमने हमने कोई मेटल ऑक्साइड ले लिया, वो ओ एच नहीं दे रहा है, लेकिन मेटल ऑक्साइड ले लिया और एसिड ले लिया, और देखा कि मेटल ऑक्साइड डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो मैंने शुरुआत में ये समझा था कि जितने भी ऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिक होंगे, और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड है जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, एसिड। समझ में आ रहा है? तो एक एसिड और एक बेस, और जो दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे वो एम्फोटेरिक, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। क्या होंगे, न्यूट्रल। तो एक सेकंड के लिए समझा जाए तो हमारे साथ ये हो सकता है कि कुछ ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे, कुछ ऑक्साइड बेसिक हो जाएंगे, या सुनो तो जो एसिड के साथ और बेस के साथ को हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने इसी तरह से देखा है, मैं जनरली ऐसे भी बोल देता हूँ कि यार कोई मेटल ऑक्साइड है पानी में डालो वैसे ही बेस बन जाएगा, और बेस बनेगा तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर वैसे ही बनाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेटल ऑक्साइड मेरे लिए तो जनरली क्या थे अभी तक, बेस। जैसे तो मैंने यही कहा, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर जनरली, भले कुछ भी देख लो, और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मैं मेटल ऑक्साइड को वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे बेस को करता हूँ, जैसे Na2O को मैं वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे NaOH को कर रहा हूँ। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या हो जाएगा आपके लिए, सॉल्ट। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट बनेगा, बस यही समझ लीजिएगा कि जो वो वाटर बनना था वो मेटल ऑक्साइड में कहीं यूज हो गया और बेस बनाने में काम आ जा रहा है इनडायरेक्टली। या सुनो नेक्स्ट, अब मैंने कुछ अपने मंत्र बनाए जिन्हें आप गुरु मंत्र समझ सकते हैं। ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल डिजोल्व इन वाटर गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे K2O को कैसे ले लो आप, KOH, K2O प्लस H2O क्या बनाएगा, ट्वाइस KOH। और वो उस तरह से हम सोच रहे हैं कि वो KOH फिर अपने आप ही एसिड के साथ मिलेगा HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, KCl। तो कहीं ना कहीं मेटल ऑक्साइड को अपन बेस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। दोस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज मिनिमम, कम है, उनकी दे गिव्स हाई बेसिक स्ट्रेंथ, यानी उनसे बनने वाले बेस ज्यादा स्ट्रांग है, या उन मेटल ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो बताओ कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल 1/ ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ लिख सकता हूँ मैं। तो Na2O और MgO में Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और इसकी क्या है, +2। या सुनो तो कौन की कम है, इसकी कम है, जिसकी कम है वो ज्यादा बेस होगा। इधर Fe और Fe2O3 में Fe की कितनी है, यहाँ पर +2, और ये कितनी है, +3, तो ये ज्यादा बेसिक है FeO। इस तरफ मैंने बोल दिया मोटा मोटा कि फर्स्ट ए वालों की तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1, तो वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, बेसिक। फिर सेकेंड वाले, और फिर डी ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले तो वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बेसिक स्ट्रेंथ एक तो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एसिडिक ऑक्साइड्स। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, भाई जो भी है SO2, SO3, Cl2O7, Cl2O5, ये सारे के सारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक। और अच्छी बात ये, दूसरा पॉइंट ये भी है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई कैसे देंगे, जैसे N2O5 को H2O के साथ करोगे HNO3 मिल जाएगा, SO3 को H2O के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दिख रहे आपको, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, पानी में डिजोल्व करते ही वो क्या दे देंगे, एसिड दे देंगे। तो ये हमारे लिए एसिड्स हो गए, और हम यहाँ पर भी यही बोल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका उल्टा लिखना है मेरे को, क्योंकि एसिडिक और बेसिक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो एक तरह से आप सिंपल सा सोचना कि कुछ ऑक्साइड है वो पानी में डिजोल्व होकर बेस देंगे, कुछ ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर एसिड देंगे,
मेटल वाले बेस देंगे, इधर नॉन मेटल वाले एसिड देंगे, और मेटलोइड्स वाले बीच में देंगे तो वो एम्फोटेरिक कहलाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, नॉन आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसके लिए, न्यूट्रल ऑक्साइड बोल दो आप, ना तो वो एसिड दे रहे हैं ना बेस, न्यूट्रल, और जो दोनों के साथ दे रहे हैं वो एम्फोटेरिक और दिस। तो इस तरह से आ गया, जैसे मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, और बेस के साथ भी सॉल्ट बनाएगा, तो कैसा होगा, एम्फोटेरिक। बेरिलियम ऑक्साइड ले लिया, वो भी यही काम करेगा। तो सॉल्ट हमारे कितनी तरह, ऑक्साइड हमारे कितने हो गए, चार, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। जो जो बेस के साथ करते हैं वो एसिडिक, जो एसिड के साथ करते हैं बेसिक, जो दोनों के साथ करते हैं वो एम्फोटेरिक, और जो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते न्यूट्रल। कुछ भेजे में फंसा, तो इन्हीं ऑक्साइड्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां तक लिख लीजिए आप फास्ट, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये बात तो हमने तय कर ली थी पहले ही कि कुछ ऑक्साइड हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो डेफिनेशन ही ये हो जाएगी, ऑक्साइड्स विच नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखिए बहुत सारे ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है ना वो है एनओ। क्या है एनओ का मतलब, नाइट्रस या नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ, सीओ। वैसे तो N2O भी जो नाइट्रस है वो भी न्यूट्रल ही होता है, और H2O, तो नो को इसको क्या बोलोगे आप, N2O को नो को ना, ना का मतलब N, नो का नाश हुआ हुआ, ठीक है जैसे भी बोलो आप, तो N, नो का मतलब NO, को का मतलब CO, कोबाल्ट मत बना देना, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, और ये सारे हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यस और नो। दूसरा हो जाएगा हमारे लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हो। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की खास बात क्या है, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं ना बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। तो अगला क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डेफिनेशन क्या बनेगी, सेम वैसे ही चलेगा, ऑक्साइड्स विच नॉट को हटा दो बस, ऊपर वाली डेफिनेशन, नॉट की जगह रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ कॉल्ड, और न्यूट्रल की जगह आप क्या लिखोगे, एम्फोटेरिक टेरिक ऑक्साइड। बाकी वो की वही डेफिनेशन है, सिर्फ नॉट को हटाना है और न्यूट्रल की जगह एम्फोटेरिक लिखना है, लिख लिया आप। तो इसके लिए आपके पास क्या ट्रिक बनेगी, तो जनाबे एक्चुअल में पहले तो लिखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या है, तो हम एक साथ लिखें ट्रिक एक साथ। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, कुछ भी तरह से लिख सकते हैं, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। तो ZNO अली Al2O3 जी गैलियम ऑक्साइड, समझ में आ गए, गैलियम ऑक्साइड हमारे पास हो गया, तो Ga2O3 बेकार बेरिलियम ऑक्साइड, समझ में आ गया, BeO बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, दो, तो बेकार, ओके, पंजाबी PbO, सॉन्ग SNO,
SN की प्लस टू होती है। तो ये सारे हमारे ऑक्साइड्स हो गए, और एक और BE हो हमारे पास हो गया CR2O3। ठीक है, क्या इससे कर सकते हैं आप? यस और नो? तो ये सारे ऑक्साइड्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी, लेकिन बहुत तेजी से नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, बड़े धीरे धीरे से रिएक्शन होगी। कोई डाउट लिख लें इसको।